हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चाहे ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, सबको अपनी ब्रोकरेज बचानी है। मतलब जब भी हमारी ब्रोकरेज कम लगती है, ब्रोकरेज में सेविंग होती है, तब हमें काफी अच्छा फील होता है। तो दोस्तों, पहले के जो ब्रोकर होते थे वो फुल सर्विस ब्रोकर होते थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हमारे चार्ज करते थे। तब हम सालाना बेसिस पर अगर इसको कैलकुलेट करते थे तो हमारी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हो जाती थी। फिर दोस्तों एंट्री हुई डिस्काउंट ब्रोकर्स की। मतलब जब डिस्काउंट ब्रोकर्स आए, वो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर अगर चार्ज करते हैं, उससे थोड़ी सहूलियत मिल गई। जो फुल सर्विस ब्रोकर थे उनसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा सहूलियत हमें मिल जाती है। पर यह है कि अगर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर को डेली बेसिस पर देखते हैं तो वो जो ब्रोकरेज है वो हमें कम नज़र आती है। पर उसको हम ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, मतलब सालाना बेसिस पर देखते हैं, तो वो जो ब्रोकरेज है बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो अगर मान लो दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए कि हमें ये 20 रुपीज़ पर ऑर्डर जो ब्रोकरेज देनी पड़ रही है डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, वो भी ना देनी पड़े तो कैसा हो। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये पॉसिबल है एम स्टॉक बाय मेरा एसेट के साथ। तो अभी मैं आपको एम स्टॉक पर कैलकुलेट करके बताता हूं कि एम स्टॉक पर अगर हमें 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ना देना पड़े, जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स को देना पड़ता है, तो सालाना कितनी ज्यादा ब्रोकरेज की बचत हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि एम स्टॉक पर वेबसाइट खोलते हैं, उसके अंदर ब्रोकरेज कैलकुलेटर के अंदर जाते हैं। तो अभी देखते हैं कि नॉर्मल जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो हमें 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज करता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी को मिला के हम 20 ऑर्डर पर डे लगाते हैं। मतलब हमारे डेली 20 ऑर्डर लग जाते हैं। तो इस हिसाब से भी अगर देखते हैं तो सालाना 96,000 मतलब 96,000 की ब्रोकरेज की बचत हो जाती है एम स्टॉक पर। मतलब हम इसको डेली बेसिस पर देखते हैं तब तो ज्यादा नहीं लगता है, पर ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो इतनी ज्यादा ब्रोकरेज की बचत हो जाती है। ये आप इसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तब ये जीरो ब्रोकरेज लेता है तो कुछ ना कुछ तो चार्जेस लेता ही होगा। हाँ, इसके कुछ चार्जेस हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब हम अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं, मतलब अकाउंट ओपन करते हैं एम स्टॉक के साथ, तब हमें शुरुआत के अंदर 999 रुपीज प्लस GST पे करना होता है। तब हमारे क्या है कि लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज लगती है। इक्विटी डिलीवरी के अंदर, इंट्राडे के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, करेंसी के अंदर, म्यूचुअल फंड, IPO, उन सभी के अंदर लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज लगती है। तो मतलब आप अगर ट्रेडर हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ट्रेडर हूं नहीं, तो मैं 999 रुपीज क्यों भरूं। तो आपके लिए भी एक प्लान है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए भी एक प्लान है, 149 रुपीज प्लस GST अकाउंट ओपनिंग के टाइम आपको देना है। तो आपकी जीरो ब्रोकरेज लगेगी लाइफ टाइम के लिए, डिलीवरी के अंदर, IPO के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर। और बाकी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें इस बीच के अंदर, तो आप इंट्राडे या FNO वगैरह कुछ भी करना चाहें तो 20 रुपीज पर ऑर्डर लगेंगे। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के लिए अलग अलग प्लान है। फिर दोस्तों, उसके अलावा जो AMC चार्ज लगते हैं, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, क्वार्टरली हम पे करते हैं 120 रुपीज पर क्वार्टर। तो अगर वो भी हमें अगर नहीं बढ़ना है, उससे भी आज़ादी चाहिए, तो 999 रुपीज पहले हमने पे किया, फिर 999 रुपीज और अगर हम पे करते हैं प्लस GST, तो हमारे लाइफ टाइम AMC भी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और जो ब्रोकरेज कैलकुलेट की थी, जो जीरो ब्रोकरेज है, उसके ऊपर गवर्नमेंट चार्जेस हैं, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, ये सारी चीजें लगती है। और बाकी आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर के अंदर और एम स्टॉक की वेबसाइट पर सारी चीजें देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके एक ही प्लेटफॉर्म पर काफी सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, म्यूचुअल फंड, IPO, ETF, MTF। MTF होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को ई मार्जिन भी बोलते हैं। मतलब हमें कोई शेयर अच्छा लग रहा है और हमारे पास फंड की कमी है, तब क्या है कि उस टाइम हमें ई मार्जिन दिया जाता है, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी दी जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि जितना भी अमाउंट है उसका 20% हमें पे करना पड़ता है और रेस्ट ऑफ 80% जो है हमारा ब्रोकर, मतलब एम स्टॉक पे करता है। तो उसको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बोलते हैं, मतलब फंड की कमी होती है वो पूरा करता है। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देते हैं, उसके बदले ये ब्याज, मतलब इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट है एम स्टॉक पर 7.99%, अगर 25 लाख से ऊपर का ट्रेड करते हैं तो। और बाकी अलग अलग फंड पर हमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। तो इसका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी काफी अच्छी है। तो दोस्तों, एम स्टॉक के साथ आप भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। आप एम स्टॉक की साइट भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी ले सकते हैं एम स्टॉक के बारे में। एम स्टॉक मेरा एसेट का ही पार्ट है और इनके पास 25 सालों का एक्सपीरियंस है, 65,000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, और भी काफी सारी जो जानकारी है इसके बारे में आप एम स्टॉक की साइट पर विजिट करके जान सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो दोस्तों, अभी ही डीमेट अकाउंट खुलवाएं एम स्टॉक के साथ और अपनी ब्रोकरेज की बचत करें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।
Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.